तो जी कारपेट वगैरह मैंने बाय कर लिए थे। मुझे तो ना अपनी किस्मत ही खराब लगती है, जो चीज खरीदने के लिए जाता हूँ हमेशा वही मार्केट बंद हो रही होती है। तो बाकी क्लब वगैरह मैं पहुंच चुका था, तो ऊपर जाके देखते हैं टेबल भी खाली मिलता है कि नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा था कारपेट लेने के लिए, क्योंकि मेरी कैट्स को सर्दी लग गई है। एक को मतलब कि उसका काफ़ी गला ख़राब हो चुका है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो ऑब्वियस से बात है फर्श वगैरह ठंडे हो जाते हैं, और इनको क्या नाम लेते हैं ज़्यादातर फर्श पे ही बैठने की आदत होती है। बकाया चलें चलते हैं रास्ते से, मैंने अपने एक दोस्त को पिक करना है, फिर उसके साथ मैं आगे जाऊँगा इचरे बाज़ार। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अभी तक तो मतलब कि काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से रिस्पॉन्स आ रहा है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, वीडियोस में मतलब लाइक्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शेयर भी लाजमी कर दिया करें अपने आगे दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद जल्दी मतलब के सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं। बाकी चलें चलते हैं, दोस्त को पिक करते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो जी कारपेट वगैरह मैंने बाय कर लिए थे। मुझे तो ना अपनी किस्मत ही खराब लगती है, जो चीज़ खरीदने के लिए जाता हूँ हमेशा वही मार्केट बंद हो रही होती है। गजब बेइज्जती है। तो उधर उन लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली हुई थी, वरना मैंने वीडियो रात में शूट करनी थी। बताया उधर मैं वीडियो वगैरह तो नहीं शूट कर सकता। अभी मैं आ गया अहमद भाई के साथ कॉफ़ी पीने के लिए, तो कॉफी वगैरह पी के इन्होंने क्या किया मेरे साथ, इन्होंने गेम में जानी है। वन वी वन आज करना है भैया, आज पता लग जाएगा स्नूकर का वेट कैसी रह गई है तेरी गेम के। नहीं हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल स्नूकर वगैरह में भी जाके आपको थोड़े बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स दिखाएंगे। बकाया अब हम जरा कॉफी वगैरह पी चलते हैं वेफर्स की तरफ। वेफर्स की तरफ कॉफ़ी वगैरह हमारी अहमद भाई लेके आ चुके थे, तो ये कॉफ़ी हमारी आ चुकी है। बाकी स्नूकर इसके बाद हम लोगों ने जाना है, स्नूकर में जाके आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो बाकी क्लब वगैरह मैं पहुंच चुका था, तो ऊपर जाके देखते हैं टेबल भी खाली मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी इंशाल्लाह इसको तो गेम ठोकनी ठोकनी है, पर आराम से ठोक लूँगा। बाकी ऊपर जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे अहमद भाई से एक बॉल मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये बॉल बन के आ गई, जिसकी वजह से आराम से मैं इस गेम जीत गया था। यहाँ पे मुझे स्नूकर लगने लगा था, तो आप मेरी बात सुन नहीं सकते हैं। बाकी ब्लू डालने के बाद मैं जीत गया था, और एंड पे आप भाई की खुशी भी देख लेना कि जीतने के बाद भाई की खुशी कैसी थी। तो अभी मैं आ चुका था घर। बकाया मैंने छोटी सिस्टर को पहले ही कह दिया था मेरे आने से पहले पहले ये जगह साफ करके रखे, ताकि मैं आते ही कारपेट वगैरह बिछाना शुरू कर दूँ। तो बकाया कारपेट वगैरह बिछा के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अब कारपेट लगाते लगाते, तो चलें कारपेट लगाते हैं। कारपेट वगैरह मैंने बिछा दिया था, बाकी आपको भी मैं एक दफा चेक करवा देता हूँ। बिल्लियों को तो काफ़ी पसंद आया है, ये लोग तो इधर आके खेलने लग गए हैं, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किस तरह का लग रहा है। बाकी यार सच में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं 11 बजे शुरू हुआ था, और अभी मुझे 12:30 बजे में फारिग हुआ हूँ, सिर्फ ये कारपेट का हिस्सा बिछा के। बहुत मेहनत वाला काम था। बाकी यहाँ पर मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब,
लाजमी कर देना। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।